नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। जब भी कोई सब्जी बनाने की बात आती है तो सबसे पहले ख्याल आलू का आता है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियों में आलू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आलू का सेवन करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि एक दिन में कितना आलू खाना सही है, साथ ही इसकी तासीर क्या है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये कहना गलत नहीं होगा कि आलू सब्जियों का राजा है। अगर बात करें एक दिन में कितना आलू खाना सही है, तो एक दिन में एक बार आलू का सेवन सब्जी के रूप में या आलू के रस के रूप में किया जा सकता है। हालांकि अधिक मात्रा में आलू का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप आलू तलकर या भूनकर ले रहे हैं तो सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि आलू का सेवन तलकर या भूनकर किया जाए तो इससे स्वास्थ्य के लिए कई नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में आलू खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तलकर या भूनकर आलू खाने से गैस की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही आलू खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। इस बात का जिक्र एक रिसर्च में भी हुआ था, जिसके मुताबिक यदि हफ्ते में 4 या उससे ज्यादा बार आलू खाया जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ऐसे में आप आलू का सेवन थोड़ी ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में खाना हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर बात करें आलू की सीमित मात्रा की, तो दिन में अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो सिर्फ एक ही मील में आप 1 बोल आलू खा सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा आलू खाना आपके वेट और ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।